देखो यार, लुका छुपी खेल रही है मेरे साथ, कहता ही मेरी लुगाई बनी हुई है भाई ये तो। बहुत लेट हो गया यार, बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। मतलब मैं ना खाना खाने के बाद सो गया थोड़ा सा। वैसे तो अगर मैं 100 की स्पीड में चला रहा हूँ, बट जब ओवरटेक करनी होती है ना तो 120 की स्पीड में चला जाता हूँ, और भाई साहब 120 में भी है ना ऐसा लगता है और भगाओ और भगाओ और भगाओ। जाम लगना शुरू हो गया, इसका मतलब आपका भाई दिल्ली में एंटर हो चुका है। पार्किंग से तो मैं निकल गया, अब थोड़ी देर गाड़ी और अच्छी जगह दिखी ना वहाँ साइड में लगाऊंगा, कुछ खाने को मिलेगा तो खा लूंगा, और उसके बाद फिर आगे का देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। अभी टाइम तो वैसे क्या 2:30 बजे, ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, अगर रात में भी ड्राइव करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई इजिली कर लेगा, तो अभी देखते हैं अभी नेक्स्ट कहाँ जाते हैं। यार थोड़ा थोड़ा करते करते ना मैं बहुत ज्यादा आगे निकल आया हूँ, और मैंने सोचा था कि गाड़ी कहीं पे साइड में लगाऊंगा और थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, कुछ खाऊंगा, और फिर सर्च वगैरह करूंगा कोई और अच्छी जगह होगी यहाँ पे तो वो भी देख लेंगे। बट थोड़ा थोड़ा करते 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 ना मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल आया। अब यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे का रास्ता दिखा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुँच जाते हैं, अगर टाइम रहा तो फिर वृंदावन निकल जाएंगे, नहीं तो फिर सीधा निकलेंगे दिल्ली। और अभी टाइम वैसे भी 3 बज चुके हैं, यहाँ पे वैसे भी कुछ खाने के लिए मुझे अच्छा खासा मिल नहीं रहा है, वही ब्रेड व्रेड और यही सब मिल रहा है, कोई ढाबा वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो सोच रहा हूँ यमुना एक्सप्रेस वे पे ही कहीं पे साइड में लगा लूँगा और वहीं पे कुछ खा लूँगा। अब वैसे इतना आगे निकल चुका हूँ तो यार यहाँ पे रुक के भी कोई मतलब बन नहीं रहा, तो खींचता हूँ थोड़ी सी गाड़ी और सीधा यमुना एक्सप्रेस वे चलता हूँ, और वहीं जाके फिर डिसाइड करते हैं कि अब जाना कहाँ है। बहुत देर की जद्दोजहद के बाद और बहुत ढूंढने के बाद फाइनली आपका भाई यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुका है, और जन सुविधा भी आ चुकी है, तो अब गाड़ी साइड में लगाएंगे। पहले तो छाया देखता हूँ यार, कुछ छाया वाली जगह मिल जाए। वैसे तो खैर अभी मौसम भी धूप वाला नहीं है, क्लाउडी हो चुका है तो धूप तो नहीं आ रही, बट फिर भी यार थोड़ी छाया वाली जगह मिल जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। गाड़ी ही कहीं लगा कर और गाड़ी में ही कुछ ले आता हूँ खाने के लिए, क्योंकि यार अंदर बैठ के खाना ना तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है यार, अगर कोई साथ में हो ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अकेले में ना थोड़ा सा अलग लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ। अब मिलने वाली जगह है नहीं इसलिए मैं यहीं गाड़ी लगाता हूँ, और पहले कुछ खाने के लिए ले आता हूँ क्योंकि अब बहुत ज़ोर से भूख लग रही है यार। यहाँ पे बाइकर्स का एक ग्रुप रुका हुआ है, हाई कर रहे हैं, और ये जा रहे हैं चेन्नई टू दिल्ली, दिल्ली टू लद्दाख। और मैं जैसे कि पहले ही मैंने आपको बोला कि यार बाइक से करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, मेरी तो गाड़ी में हवा ख़राब हो गई थी, अब भाई लोग बाइक से कर रहे हैं तो बड़ी हिम्मत चाहिए यार। हिम्मत मतलब ये ना एक तो वो जगह है ना थोड़ी सी सेफ नहीं है यार वो, इसलिए भी, और अभी है ना गर्मी बहुत तेज है, और ये मेरी यूट्यूब की लुगाई यहाँ घूम रही है, मुझे दिख गई है, अब मुँह छुपा रही है, उसे लग रहा है कि मैंने उसे देखा नहीं है, बट मैंने उसे देख लिया है। अभी देखो दिखाता हूँ आपको, आ जा कहाँ गई, अरे आ जा आ जा, कुछ नहीं कह रहा, आ जा चल आ जा अभी, आ जा कुछ नहीं कहूँगा। देखो यार लुका छुपी खेल रही है मेरे साथ, कहता ही मेरी लुगाई बनी हुई है भाई ये तो, कहाँ गई यार, ये क्या पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या है, अरे कहाँ गई, चलो आने दो दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा क्या आप पहचाने जाओगे उसे, बड़ा ख्याल रखती है मेरा, पता नहीं उसको मेरा पता कौन देता है, मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, ये क्या पड़ा हुआ भाई, ओ वाह खजाना मिल गया बे, खजाना 5 रुपए होंगे, हाँ 5 रुपए ही, एक का सिक्का और दो दो के 2 सिक्के, कितना दिमाग लगाते हैं लोग कितना। तो आपका भाई खाने वाला है पाव भाजी, तो पहले खाता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। 2 hours later टाइम हो रहा है शाम के 5, और बहुत लेट हो गया यार, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, मतलब मैं ना खाना खाने के बाद सो गया थोड़ा सा, जिसकी वजह से आपका भाई पूरी तरीके से लेट हो गया बहुत ज़्यादा, और अब यहाँ से निकलने में भलाई, क्योंकि यार जाते जाते ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा यार, मेरे पीछे ना गाड़ी खड़ी है दोनों साइड में, अब अगर ये हटती है तो ठीक है, नहीं नहीं निकल जाएगी, वैसे ही निकल जाएगी। अब गाड़ी भगाता हूँ और कहीं और रोकूँगा, और यार अब कैमरा भी नहीं उठाया जाएगा, दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि सामने ना आप देख रहे हैं धूप है, और सूरज देवता बिल्कुल है ना सामने आ रखे हैं, तो वीडियो क्लियर ही नहीं आएगी, तो फिर कैमरा उठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो पहले थोड़ा सा गाड़ी को खींचता हूँ
और थोड़ा आगे निकलता हूँ, डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ना मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, अब जाके स्टार्ट किया है। थोड़ा डिस्टेंस कवर हो जाने दो, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ, ओके। सो भाई लोग, थोड़ी देर पहले तो ना बहुत गंदी वाली नींद आ रही थी, बट अब है ना गाड़ी चलाने में सीरियसली बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। 110 120 की स्पीड में आपका भाई गाड़ी भगा रहा है और सीरियसली बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। वैसे तो अगर मैं 100 की स्पीड में चला रहा हूँ, बट जब ओवरटेक करनी होती है ना तो 120 की स्पीड में चला जाता हूँ, और भाई साहब 120 में भी है ना ऐसा लगता है और भगाओ और भगाओ और भगाओ। भाई क्या मस्त गाड़ी है यार ये, और स्टेबल बहुत ज्यादा है, स्टेबल बहुत ज्यादा है। और हाँ, एक चीज और मुझे याद आ गई कि यार आप लोग मुझे बर्थडे विश क्यों कर रहे हो यार, मतलब हैप्पी बर्थडे हैप्पी, इतने सारे मैसेज आ गए ना, मैंने सोचा नहीं था कि भाई भाई एक बात बताओ, मेरा जो रियल बर्थडे आएगा अभी 30 जून को मेरा बर्थडे है, उस पे भी विश करोगे या फिर आज विश करके छोड़ दोगे? मतलब इतने सारे कमेंट और मेरे पास इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आ गए ना, मैंने सोचा नहीं था भाई। बाकी थैंक यू सो मच भाई। और हाँ, वो जो वीडियो बनाई थी 20,000 किलोमीटर की, उस पे मैंने जो बोला था हैप्पी बर्थडे, वो मेरी गाड़ी के लिए बोला था भाई लो। तो यार प्लीज उसे सीरियसली मत लो, मेरा जो बर्थडे है वो 30 जून को है। अब इतने सारे लोगों ने मुझे विश किया है ना, सो आपका भाई भी आपके लिए कुछ करेगा, आपका भाई आपके लिए अपना नंबर छोड़ेगा, मतलब मैं अपना नंबर डिस्प्ले पे छोड़ दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, अभी थोड़े टाइम में जो वीडियो आएगी ना उसमें डालूंगा, अभी नहीं डाल रहा। तो वो सिर्फ उसी एक दिन के लिए चालू रहेगा, उसके बाद में वो बंद हो जाएगा। तो जो भी मेरा भाई अगर मुझसे प्यार करता है और बात करना चाहता है तो भाई बात कर सकता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मैसेज करोगे, मैसेज ही करना, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी मत करना, अभी बता रहा हूँ। वैसे तो अगर मैं जब बनाऊंगा ना वीडियो और उसमें नंबर डालूंगा तो मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा। सिर्फ कॉल्स कर सकते हो आप और नॉर्मल मैसेज कर सकते हो, बट व्हाट्सएप वगैरह बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उस पर चलेगा ही नहीं यार, मैं बंद करके रखूंगा, क्योंकि यार वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं होगा। सिर्फ एक दिन के लिए मैं आपके आप लोगों के लिए नंबर लूंगा, जिन भी भाइयों ने मुझे कॉमेंट किए हैं और विश किया है। तो बस बाकी गाड़ी चलाने में सीरियसली बहुत मजा आ रहा है। अभी डिस्टेंस रह गया कुछ 60-70 किलोमीटर का, और 60-70 किलोमीटर तो भाई साहब नू हो जाएंगे। 100-110 की स्पीड में गाड़ी भग रही है, मजा आ रहा है बे, और फुल ऑन एसी के अंदर। वाह भाई वाह, क्या बात है बटे। और हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड भी अभी आई थी, बट वो दोबारा कहीं छुप गई है, अभी कहीं नजर आएगी ना तो आप लोगों को दिखाऊंगा। भाई साहब कतई मेरे पे नजर करके बैठी है, शादी करेगी मेरे से, देख लिया मैंने इसे, नजर नहीं आ रही बट नजर आएगी, दिखाऊंगा जरूर बे, छोड़ूंगा नहीं इसे। अभी फिलहाल भगाता हूँ गाड़ी और जल्दी से दिल्ली में इंटर होता हूँ, क्योंकि अब बस घर जाने की लग रही है। जाम लगना शुरू हो गया, इसका मतलब आपका भाई दिल्ली में इंटर हो चुका है, और गड्ढे आ रखे हैं बड़े बड़े, तो सारी गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा, इसके चक्कर में जाम लगा हुआ था। वैसे तो खैर रोड खाली है, अब ख़त्म, अब भगाते हैं यहाँ से, पता नहीं क्या करते हैं, बिल्कुल हाईवे के बीच में ऐसे ऐसे गड्ढे हो जाते हैं ना जो समझ से बाहर हो जाते हैं कि यार ये हुए क्यों होंगे और क्यों हुए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए भाई हाईवे पे। तो हाईवे पे बस है ना, आने के बाद मन करता है गाड़ी भगाओ, और वही होना चाहिए यार, ख़राब नहीं होना चाहिए हाईवे के रोड वगैरह ना, अच्छे ही होने चाहिए हाईवे। सो अभी थोड़ा सा और गाड़ी खींचते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि अब दिल्ली स्टार्ट हो गया तो कैमरा वैमरा पता नहीं क्या क्या स्टार्ट हो जाएगा। भाई लोग, दिल्ली में गाड़ी चलाना जंग लड़ने के बराबर है, सच बता रहा हूँ आपको। इतना सारा जाम झेला है ना मैंने, जिसकी कोई हद नहीं, जब से मैं हाईवे से उतरा हूं ना भाई, जाम ही जाम झेल रहा हूँ, मतलब दिमाग खराब हो गया है। 9 बज गए हैं मुझे, सोचा था 8:30-8:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, बट वही 9:30-9 बजे का टाइम हो गया, और अभी मुझे और कम से कम 3-4-5 किलोमीटर जाना है। दिमाग खराब हो गया यार, सच बता रहा हूँ आपको। सो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आप ज्यादा खींच के कोई फायदा है नहीं, लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग भी बोर होगे। सो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। अभी के लिए बाय बाय।